हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्निंग में। दोस्तों, ये मेरा संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग चार है। इसके जो पहले भाग है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिए हैं, वो आप जाके देख लो, बहुत ही अच्छे उसमें क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। और ये जो भाग चार है, इसमें मैं आपको अनुसूचियाँ और साथ में जो अपने संविधान के जो स्रोत हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये भाग चार पूरा इसी से बना, इसी के बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो ये भाग चार देखने बाद आपको अपना संविधान की अनुसूचियाँ और साथ में जो संविधान के जो स्रोत हैं उन उसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जो भाग पाँच रहेगा उसमें मैं आपको संविधान के जो अपने अनुच्छेद हैं उसके बारे में सबसे अच्छे क्वेश्चन ला के बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, संसदीय शासन व्यवस्था के संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके पास थोड़ा टाइम है सोचने के लिए, आपको बताना है संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो आपको बताना है मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार हमने लिए हैं। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? थर्ड क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई दोस्तों फ्रांस के संविधान से, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो आपको बताना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपको बताना है जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। और इसका सही आंसर दोस्तों आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। सिक्स क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया। तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सेवेंथ क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए संविधान जो संशोधन होता है वो किस देश से लिया गया है। वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। एट्थ क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ जो रूस, आज का जो रूस है उसके संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संघीय शासन व्यवस्था जो ली गई है वो ली गई है कनाडा के संविधान से, ठीक है ना दोस्तों। टेंथ क्वेश्चन है, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? आपको बताना है यहाँ पे जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। इलेवेंथ क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है संविधान में कितनी अनुसूचियां अभी हैं। तो अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आठवीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का उल्लेख है और वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ भाषाएं हैं 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। थर्टीन क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? अब आपको दोस्तों ये बताना है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उस समय हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो 14 भाषाएं ही हमारी संविधान में मूल रूप से थीं, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन है, पहली अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? यहाँ पे आपको बताना है पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्रों का वर्णन है पहली अनुसूची में, ठीक है ना दोस्तों। 15 क्वेश्चन है, तीसरी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? अब आपको बताना है तीसरी अनुसूची में जो थर्ड अनुसूची है उसमें किस बात का उल्लेख है? तो यहाँ पे शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। आप बहुत अच्छे से इनको याद कर लें और साथ में आपका रिविजन तो हो ही रहा है। 16 क्वेश्चन है, संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची में कब पहला संशोधन किया गया था?
अब आपको बताना है अनुसूची में पहला संशोधन कब किया गया था संविधान संशोधन द्वारा। तो वो किया गया था दोस्तों 1951 में, और 1951 में आपको पता है दोस्तों मूल रूप से 8 अनुसूचियां आई थी, तो जो 9वीं अनुसूची है वो 1951 में ही जोड़ी गई थी। 17वां क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में किस बात का वर्णन है? सोच लीजिए आप लोग। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। 18th क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? अब आपको ये बताना है कि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 73वें संविधान संशोधन 1952 में, और सॉरी 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 19th क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में किस बात का वर्णन है? अब आपको ये बताना है कि 12वीं अनुसूची किस बारे में है। तो इसका सही आंसर है नगरीय निकाय संबंधी प्रावधान है 12वीं अनुसूची में, है ना। 20वां क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? अब जो हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 21वां क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? अब आपको वो टाइम बताना है जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे संविधान में संविधान संशोधन द्वारा। तो वो जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में आखिरी बार कितनी और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? अब आपको बताने कि लास्ट टाइम 8वीं अनुसूची जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथारी। ये 4 भाषा जोड़ी गई थी, और ये 71वें संविधान संशोधन 2003 में ये 4ों भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कि जो लास्ट में जो जोड़ी गई थी 4 भाषाएं इन्हीं के बारे में आ जाएगा आपको। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथारी कब जोड़ी गई थी? सन 2003 में जोड़ी गई थी, 71वें संविधान संशोधन 2003 में। नहीं, सॉरी, ये 91वां संविधान संशोधन है, यहाँ पर मैंने शायद गलत लिख दिया है। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी, मिसप्रिंट हो गया शायद यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरा सेशन ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसका जो आगे वाला पार्ट है वो मेनली अनुच्छेद के बहुत अच्छे से मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी सबकी पढ़ाई बढ़िया हो। तो मिलते हैं आने अगले वीडियो में।